उधर पैदल मार्च के जरिए कांग्रेस के सांसद अमी याग्निक ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, जिनसे बात की हमारी दिल्ली संवाददाता ज्योति सिंह ने। कांग्रेस सांसद यामी याग्निक मैम, ये जो विपक्ष का पूरा पैदल मार्च निकल रहा है, आखिर किन किन मुद्दों को लेकर निकाला जाए? सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि गृह मंत्री को हटाओ। प्राइम मिनिस्टर ने ऐसे गृह मंत्री को अपने मंत्रिमंडल में क्यों रखा है जिसके बेटे ने कुचल दिया है किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे, और जब SIT ने बताया कि सोची समझी चाल है और ऐसे नहीं कुचल दिया गया है किसानों को, जब ऐसी बात बाहर आई है, रिपोर्ट आई है SIT की, तो फिर क्यों वो मंत्रिमंडल में बने रहे हैं? जब वो गृह मंत्री हैं तो इन्वेस्टिगेशन पे हर चीज़ पे उनका प्रभाव पड़ सकता है। इसके लिए सारे विपक्षी लोग कह रहे हैं कि भाई इनका पहले इस्तीफा ले लो, इनसे मंत्रिमंडल से हटाओ और बाकी सारे मुद्दे इस पर चर्चा करो। लेकिन मैम, केंद्र सरकार का कहना है कि पूरा शीतकालीन सत्र निकल गया, लेकिन विपक्ष ने सिवाय हंगामे के एक भी मुद्दे पर चर्चा नहीं करी है। केंद्र सरकार कह रही है, केंद्र सरकार और उनके जो सांसद, केंद्र सरकार के सांसद पहली बार बने हैं, उनको समझ में नहीं आता है लोकशाही कैसे चलती है और पार्लियामेंट में कैसे चलाना चाहिए, उनको प्रोसीजर पता नहीं है। उनको एक ऐसे एक तरफा ही बुलडोजिंग करना है, किसी की बात नहीं सुननी है, डिस्कशन नहीं करना है, डेलिबरेशन नहीं करना है। वैसे आके बाहर मीडिया में बता देते हैं कि वो चलाने नहीं देते। भाई तुम चलने नहीं देते हो, तुम खुद चलने नहीं देते हो, तुम अपनी मनमानी करते हो। और जो लोग बाकी के सांसद हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, उनकी कोई बात नहीं सुननी है और ऐसे कानून लेके आते हो और फिर ऐसे स्वीपिंग स्टेटमेंट्स करते हो, ये ठीक नहीं है उनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो मेरे यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हुई थी कांग्रेस की सांसद यामी याग्निक, वीडियो जर्नलिस्ट भरत कुमार के साथ ज्योति सिंह, दिल्ली।